गंधारी जब जनली कि मेरे कितने पुत्र मारे गए, एक दुर्योधन बचा हुआ है, उसे भी कन्हैया मरवा देगा, इसलिए मैं कोई उपाय करूंगी। अब पति के वियोग में उनका नेत्र ना रहे से आंख पर पट्टी बांध रही, कल की बेटा दुर्योधन आज आंख के पट्टी खोल, पुत्र मोह सताओ था बेटा, आज आंख के पट्टी खोल के आते हमारे सामने, पूरा कपड़ा खोल के लंगटे आओ, सारी शरीर तुम्हारी वज्र की पत्थर की बना दूंगी, अजन्मा हो जाएगा, ना तुझे कोई मारेगा, ना तीर का प्रहार बर्दाश्त करेगा, ना कोई गद्दा से मारकर कुछ बिगाड़ेगा। हे बेटा, मेरा अंतिम इच्छा है तुम नंगा होकर बिना किसी वस्त्र के मेरे सामने आओ, मैं अपने आंख की पट्टी खोलना चाहती हूँ। आओ बेटा, अरे मानो बतिया आव हमारा सोझा तहर बोझार हर। मैं कहूँ बहुत डॉक्टर ना आई तो आई ना कहूँ, अरे बोयन चाहे बोझा तहर बोझा। आईना के हो बोझा है बोझा तहरो बोझा, ये हो के कहता नहीं, जब सामने आ जाए बस सारा शरीर जब वज्र के बना दे, पत्थर के बना दे। हे बेटा अर्जुन भीम, अरे सहदेव धर्मराज, कन्हा नहीं है सोझा तहर बोझा दे हर। अब बेटा आईना के हो बोझा तहर बोझा, जा बेटा उसके ठीक बनाता स्नान ध्यान कह के, आ तारा सामने लंगट ही आवता नहीं, आ लंगटे चल दल बा नहा धोवा के, आ तले कौन हो जेकर जीवन भर बाउर बात बोलने बाबे, जीवन भर निमान गाँव कर एको ना मलस बौर की कुल मन ले बाटे, आ ओह दिन देखी बौर की कही है विनाश काले विपरीत बुद्धि तो ओकरा नी मन लागी। जब आओ तो तले कौन हो सोझा बड़े दुर्योधन, दुर्योधन अरे लंगटे जेबे माई के लगे, लंगटे माई के लगे जेबे तोरा लाज है अबा कि ना रे। कन्हैया तो का करी, तो कहले कम से कम मेन जगह हिया पो कुछ लपेट ले, कुछ केला का पता होता कुछ लपेट ले, जो बुझाओ तो लपेट ले। माई के सुझाते जाए कि नहीं कहे से उनका भक्त बत्सल कन्हैया रहले, भीम प्रतिज्ञा कर ले कि तहार जंग हमें मार के तू रो, आ वो हिजा कहले कुछ तोप ले रे, लंगटे जन्म ले हो जाला माई के गोद में खेल जाला, अब सियानो भला पर लंगटा ही जाइबे। अब वो समान ले कहलो ओ दिन उकर बउर की ये करा नी मन लाग, कैसे ओकर लिखर है जांग टूटे के, ओकर जांग लिखर है उठ के तूरे के, तो ओकरा बउर की ये नी मन लागो। हो तो कन्हैया बड़ निमन कल हो बात, अब हम जातानी और सही जातानी, आ जाके वो लपेट के गुप्तांग अपन तोप के, आ माई के सुझा गई जब नजर खोलत आ रही, आ नजर खोल के जब दुर्योधन का और ताकत आ रही, कहल के जाए बेटा, अरे अपना सारा पतिवर्त धर्म के अपने नेत्र तोपला के सारी धर्म के जितना पुण्य रलो सारा पावर लगा के तरक और तकनी हत हमारे आंख से तेज निकलल हवे, आ तहार सारा शरीर वज्र के बन गईल, आई गो जंग हमें तरते राख ले ले हो हेलो माइक बीच में मत बिगाड़ भैया, कौन डिस्टर्ब करता माइक, अब वह गोइल बटे अपना महतारी से आशीर्वाद लेके, तो अब कहलस कि अब सोझा जाए ना रह जा के लुका जाता नहीं, आ जाके सरोवर में लुकाता, ओकरा पहले अपना धर्म पत्नियों से मिलल बटे। हनुमती कहली कि हे स्वामीनाथ मारा मन डेराता है, बाकी वो प्रसंग साइड में करी जगह पर लेके चली, ऐसे मालिक आदेश होलो कि प्रसंग यही बेरा पर हो कमे कम गावल, हम कहने के ना भाई यही बेर भी तो गाय वैसे के ना गाय तो लोग कहे कि जानते नहीं थे, अब वह जाकर भीतरी लुकाइल बड़े आए ना चारू और पांडव लोग जो होता की दादा कहाँ बाऊ लोग तो नहीं खे बा कहाँ बा, अब जो हत जाता लो तो एगो मांस के लोथा मुड़ी पर ले ले ब्याधा लोकल बा, कहलिए ना कैसेट वाला ना मांस के लोथा ले ले बोरिया में आ घटिया के सुझवा लोकल बटे, कहत लोग हे वेधा भाई एने आवो एने केहू के जात देखला है साइड में, कहले कि रहिया में रहनी हो
एक आदमी आओ तो कैसे रहे हो तो गायत्री के बाद दूसरे को ले हमारे भाव का हटे कि सुना अरे पाचो भैया जो मन हो मजा जब बात तो देखनी तीन ताल में रही आ जमन जमन कर मात तो देखनी तो सुना पाचो भैया जमन जमन जज बात तो देखनी जमन जमन कर मात तो देखनी कैसा रोल आ तो तारा पांच जन में तो ऐसा केहू नई खे जबकि ब्यास जी लिखत ना कि पांच भाई ना कोई रहलू सेना के टुकड़ा लेके संगे संगे गई रहलू आ ब्यास लोग आवे कि पांच भाई गई रहलू कोन हैया रहले सेना के टुकड़ा भी संगे रहे कहले घता रहे दल में ना निचले में तो कोन घसो तारा पांच जन बाड़े कोन हैया बाड़े एहू में केहू बाना बाकी हिनकर देही आ तनी भर ओकर जस लागत कैसा रहे तो वो कर जा कर रहे सीना बाकी अरे चुवत रहे पसीना कैसा रहे देखे में तो चले तो अरे धरती के हम दल 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 दादा तो देखनी तो चले तो अरे धरती के हम दल 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 दादा तो देखनी आ जमन जमन कर मार तो देखनी चले तो धरती के हम दल 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 दादा तो देखनी जमन जमन कर मार तो देखनी माने नहीं आइल बा अगल बगल सेना लोग हो जाता कहीं भेटात नहीं खे ये भैया वो जानो तो लो पानी बांध है के कहीं पनिया के भीतरी तो नहीं खे ढुकल हो सकता तो लागल ललकारे के ए दुर्योधन ए दुर्योधन महारी आओ आओ निकल तो सब कर बात कौन बोथेला बरोबरी के लोग बोली तो कौन बोथेला बाकी मौगा कौन बोली नू बड़ा टेंशन हो जाला वो मैं सबसे कमजोर हो रहा लोग कहते क्या वो बहरी अरे अब न बहरी अब न कर बाप जहरी अब न बहरी अब न कर बाप जहरी ना कर बाप अरे बड़ा शासन बना उधर लहा बहरी अब छुपल बड़ा पनीर में मऊगा जना लो छुपल बड़ा पनीर में मौगा जाना लो लइकाइया के मौग हमरा ए बड़ा बुझा लो लइकाइया के मौग हमरा ए बड़ा बुझा लो अब कहलु कहिल बड़ा कुल खानदान तहर मरनी सब हरी कुल खानदान तहर मरनी सब हरी हवन बुहारी तहर कचहरी जब सुन ले बाबी को दे अले बड़ी डीजे से कि मौत जो कल घाट बहरी दुश्मन ललकारा तो जाई ना अब बहरी निकल के मालिक दो मिनट पर संगल लेदारी मारता है खुद रोबा से ज्यादा टेंशन मानी तनी जगह ये धरा दी क्यों कर आगवा इनका ना बुझाओ अब बहरिया निकलल बाटे आ लागल ललकार रे हा लड़ो तो कहले धर्मराज के हमारे पांचों भाई में से केहू से एक आदमी से लड़ जा अकेले बड़ा तरफ दुशासन आ कोई जाए हमनी के जे करस लड़ब कहस के तर में लड़े वाला बाकी हेंका से लड़ी तो बर्दाश्त करबो कोन हैया कल के रीत द कहां बोल दो ए धर्मराज जल्दी कोनो उपाय लगाओ तो कहलस कि तब राजा धर्मराज हम उनके से लड़े कहले कोन हैया कि ना ना ई राजा रह कहां गेल बेले सभे भीम के राजा मानत आयो आ तो ऐसे ना मानो भीम के प्रणाम करस धर्मराज तब प्रणाम करते धर्मराज तो भीम जर जइते कोन हैया चलाखी कहले कन्हवा में ए कोखिया में एगो पोथी सटा देले कहले के धर्मराज पोथिए कहो ताके प्रणाम करी हो न त हेने जे तकल त गइले गुजर बोलत है एकदम अब वह धर्मराज पोथिए के प्रणाम कइले बड़े आ तो भीम से लड़ाई होता तले बलराम जी के आगमन भइल बाबे गुरुदेव प्रणाम 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 लागो लड़ाई होखे त लड़ाई भइल भारी अरे लड़ाई भइल भारी भीम दुर्योधन में अरे भीम दुर्योधन में तो लड़ाई भइले
कतनो मारत रह गड्ढा से लोहा पत्थर जो टकरा के गदा रिटर्न आता भीम लगल दो बे कौन भैया कहले की दादा अब कौरी का बलराम भैया के नीचे गुरुए हमें आ डांड के नीचे मारल कानूने ना हो गद्दा युद्ध के नियम रहे कि डांड के ऊपर मारे के बाद आई मुई नीचे में मार लाली तो कौन भैया इशारा कोयले बाड़े जब इशारा कोयले बाड़े भीम के बुझा ओ हो एक वही जगह हम मारे पर कि सुन हो जाओ अब वह गद्दा से प्रहार जब कमर में कोयले बाड़े देहल हाँ भीम जब कमर के नीचे मारी तो देहल हाँ भीम जब कमर के नीचे मारी देहल हाँ भीम जब कमर के नीचे मारी आ भीतर भीतर हंसता रे कृष्ण मुरारी बाकी क्रोधित होके बलराम कहला कोयला तू का दारी भीम दुर्योधन में लड़ैया भइले भारी भीम दुर्योधन में लड़ैया भइले भारी भीम दुर्योधन में अब तो बलराम जी तो अलगत होने गए लेकिन नहीं धर्म हुआ है हमारे शिष्य के साथ दोनों को शिक्षा हमने दिया है तो ये क्यों गद्दा युद्ध में इसके साथ गलत प्रयोग किया गया कसहू समझा बुझा कौन है कल करो निकली आप बलराम जी प्रभास क्षेत्र का और प्रयास कर दे रहे बलराम जी जैसे घोरे ना जाके प्रभास क्षेत्र में जाता रहे तो देखो तर की सात गो मिर्गा एक लाइन से पानी पियो तर सो एगो शेर रुकने के पिछवा बैठल बा गादा उठा ले हले कि झट मिर्गा के बच्चा हवे से मरी का आ तले वो जो एगो ऋषि बा भेटाइल बेले प्रभास क्षेत्र के महत्ता बताओ तरे कि क्षेत्र के महत्ता का हो ये हरिन के हमें जा मिर्गा के हमें जा आ ये बाघा के हमें ये क्षेत्र के महत्ता पहले जान लो कि जे केहू केहू के मारे लका है ना आ प्रभास क्षेत्र के महत्व लगल बलराम जी के बतावे एकर आगे तनी घुसका के देखो अगर महाभारत गाड़ी में हो तो पढ़ के आओ आ ना होके तो कोन बात नहीं बताई जे अपने नेखे जा सको